ईट भट्टा पर डकैती और हैवानियत का पर्दाफाश करते हुए रविवार को गघा थाने की पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों बड़हलगंज में किराए का मकान लेकर ऑटो चलाने का काम करते थे। डकैती के समय इनके साथ और लोग भी घटना में शामिल थे। सरगना विष्णु बलिया का रहने वाला है, जिसे बलिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हीं लोगों ने देवरिया में भी डकैती की घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों की पहचान जगह के नई बाजार निवासी महेंद्र यादव और उसी थाना क्षेत्र के बैरवा निवासी सुनील यादव उर्फ सनी के रूप में हुई है। महेंद्र बड़हलगंज में किराए का कमरा लेकर ऑटो चलाता था। उसी ऑटो पर साला सुनील यादव भी साथ में रहता था। दिन में ऑटो चलाने के दौरान ही ये लोग रेकी करते थे और फिर घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि ये पहले भी वारदात कर चुके हैं। उनके कुछ साथी देवरिया में पकड़े गए हैं तो एक साथी बलिया में पकड़ा गया है। अन्य फरार साथियों की तलाश की जा रही है। एसपी साउथ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20,670 रुपये कैश, पायल, नाक की कील, 3 मोबाइल, तमंचा, कारतूस और घटना में इस्तेमाल ऑटो को बरामद कर लिया गया है। खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अपराधियों का भाई है कुछ नहीं है। ये जो एक घटना हुई थी 10:50 की रात्रि में गगाह थाने में, ईंट भट्टे पे डकैती और छेड़खानी की जो बात थी उस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में ये क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गगाह की टीम ने गिरफ्तारी की है, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ इसका एक दोनों झंगार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक महेंद्र और एक सुनील यादव है। ये दोनों झंगार के रहने वाले, इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने, इन दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया है कि उस घटना में ये थे और इनके साथी थे। इनके करीब सात आठ साथी थे इनके साथ, जो मिलके ये पहले रैकी करते हैं। रैकी करने के बाद टेम्पू से रैकी करते हैं और रैकी करने के बाद ये उस पर घटना को अंजाम देते हैं। इनके साथ कुल मिला के 11 व्यक्ति थे, सब इनको मिला के। इनके बरामदगी में एक तो जो पायल चुराया था वो मिला है, जो छीना था पायल और नाक की कील, और जो कैश था कैश भी इनके मिला है। इनके हिस्से में जो 20,000 करीब जो पैसा आया था वो मिला है, और 315 बोर का कट्टा भी बरामद हुआ है इससे कारतूस सहित। इसका जो एक मेन जो आदमी है वो, उस पर तो कई अपराध हैं, ये सब इनके भी थोड़े बहुत अपराध हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं इनका है, लेकिन इनके जो गैंग मेंबर्स हैं उनके अपराध अधिक हैं। इसके पहले ये एक जंगहा में 2017 में एक अपराध हुआ था, उस 17 वाले अपराध में ईंट भट्टे पे ही हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे और इन्होंने स्वीकार किया है। ये कोई और वजह नहीं होती है इनकी, ये जो वजह नहीं है, ये रैकी करते हैं और दिवाली के आसपास इस तरीके की घटनाएं कारित करते हैं। सर, इनके गैंग के सारे सदस्य यहीं के हैं या बाहर के? नहीं, इनके गैंग के सदस्य कुछ देवरिया के हैं, कुछ बलिया के हैं, मैक्सिमम बलिया के मेंबर्स हैं सभी। इसमें अधिकतर तो ये और भी जहां सुनसान इलाका होता है, लेकिन ईंट भट्टे के अलावा और भी जगह वारदात करते हैं। लूट, ये दिवाली के आसपास इस तरह के जो नट प्रजाति लोग होते हैं, इस तरह के लोग ये कृत्य करते हैं, ये ट्रेडिशनली करते चले आए हैं। और इस पर अगर कहीं भी एकांत मिलता है तो ये वारदात कर देते हैं। एसएसपी साहब द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा 20,000 रुपये के।